इसमें कल हमने आपको रसखान जी के विषय में बताया और ये हर तरह से अब आप सबसे पहले हमने बताया था रसखान जी के विषय में। रसखान इसमें रसखान जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनमें कवि परिचय हो गया था और रचनाएं आदि और पाठ का इसमें अब हमने थोड़ा परिचय देते हुए इस पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट करते हैं। तो ब्रज भाषा का सहज एवं मनोरम रूप तथा सवैया छंद की गीतिमयता एवं लालित्य का दर्शन हमें इन सवैयों में विशेष रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से भावों की स्वाभाविकता एवं सरल सहज अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का उत्कृष्ट वर्णन यहाँ पर मिलता है। मैं अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध माने जाते हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता एवं शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी पूर्ण रूप से माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह हर प्रकार से उनकी विवलता प्रदान होती है और प्रेम लीला के प्रति उत्कृष्ट वर्णन यहाँ करते हैं और उनकी भाषा मार्मिकता के साथ साथ शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये अलग अलग हैं। तो पाठ सार के रूप में इसमें जो सवैये दिए हैं उन सवैयों के विषय में हमने कल आपको पहले सवैये के विषय में बताया था और उससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें सबसे पहले हमें संकेत करना है, संकेत के बाद में संदर्भ, संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद भावार्थ और भावार्थ के बाद में विशेष जो होता है और इस प्रकार से हमें उसमें सभी लिखना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर फिर हम आपको एक संकेत दे रहे हैं। ये हमारा सवैया सबसे पहला जो हमने आपको बताया था वह था मानुष। मानुष हो तो वही रसखान, वही रसखानी कूल कदंब की डारन, ये बताया था। अब हम देखते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, अब दूसरा देखते हैं। या लपटी अरु कामरिया, अरु कामरिया कुंजन ऊपर वारूं, कुंजन ऊपर वारूं
या लकुटी अरु डॉट 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 कुंजन उपत वारूं। तो ये आपका दूसरा हुआ और इसमें अन्य हम आपके सामने तीसरा भी लिख देते हैं। चलो खैर अब आपने देखिए मानुष हो तो वही रसखान, इसमें हमने आपको इसका संकेत बताया था, संकेत हम लिख चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें संकेत के बाद में संदर्भ के विषय में आपको बताया कि संदर्भ में यह काव्यांश यह सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक यह पाठ्य पुस्तक 31 भाग 1 के सवैये नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि रसखान जी हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी संदर्भ और प्रसंग भी इसी प्रकार से यहाँ पर रखा गया था कि ये जो प्रस्तुत सवैया है कवि अपने इष्टदेव के प्रति पूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त करते हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पर अपने स्वामी के प्रति इष्टदेव के प्रति समर्पित हो जाते हैं और उसी ही प्रकार से यहाँ समर्पण को अभिव्यक्त करते हैं। और यह वे अपने प्रभु की सामान्य चीजों को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं। इसी ही प्रकार से हमने आपको पहले बताया था कि हर प्रकार से वह इस तरह का भाव रखते हैं कि वह श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भक्ति को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं और उसी ही के हिसाब से यहाँ पर प्रभु में इतने सानिध्य के रूप में समीपता के रूप में रहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कृष्ण जो हैं उन्होंने अपना स्थान व्यक्त किया है, स्थान पर रहे हैं या लीलाएं की हैं, उन स्थानों पेड़ों पक्षियों अन्य अन्य आगे जन्म के विषय में वो कहते हैं इस जन्म में अगले जन्म में यदि मैं पशु बन जाऊं तो गौओं के बीच में चला कर पक्षी बन जाऊं, कदंब की डाल पर ही रहा करूं, यदि मैं पत्थर बन जाऊं उसी ही गिरी का पत्थर बनूं जो भगवान कृष्ण ने छत्र के समान इंद्र का घमंड चूर करने के लिए उठा दिया था, यदि मैं मनुष्य बन जाऊं तो ग्वालों के बीच में ही रहा करूं। तो इस प्रकार से वह हर प्रकार से तो यहाँ पर वह अपना सानिध्य भगवान कृष्ण के समीपता चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं और यही उन्होंने यहाँ पर किया है। इसी प्रकार से आगे भी वह हर प्रकार से केवल भगवान कृष्ण के लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। तो इसमें यहाँ पर अन्य ये सब बताया, इसमें हम थोड़ा यदि देखें तो सौंदर्यता के विषय में भी विचार करते हैं। कल इस विषय में आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार से हम इनके विषय में विशेषता के विषय में बताया था, तो थोड़ा सा अब भाव पक्ष में भी देख लेते हैं। भाव पक्ष इसमें शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य
सौंदर्यता के विषय में जैसे शिल्प में प्रस्तुत सवैये में ब्रजभाषा की मधुरता कोमलता और सरसता दृष्टि गोचर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे कहते हैं कि बसाऊं ब्रज गोकुल गांव के गवारन नित नंद की धेनु मझार ने पसेरो करूं कालिंदी कुल कदम्ब की डारन अनुप्रास। इसमें अलंकार की छटा दर्शनीय है और कल्पना शक्ति का सौंदर्य देखने को यहाँ पर मिलता है। संगीत लय छंद प्रवाह की दृष्टि से प्रस्तुत सवैया अत्यंत मनोहारी है। तो भाव पक्ष में यदि देखें तो कवि रसखान का ब्रजभूमि प्रेम अद्वितीय माना जाता है। उन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में सर्वस्व समर्पण की कामना की है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हर प्रकार से समर्पण दिया है, समर्पित हो गए हैं। तो अब आगे देखते हैं दूसरा, या लगती अरु कामरिया पर राज तिहुं पुरको तजिडारुं आठों सिद्धि नवम निधि के सुख नंद की गायें चराई बिसारूं रसखान कबाऊं इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं कौटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारूं। या लकुटियरु कामरिया पर राजतिहुं पुरको तजिडारुं आठम सिद्धि नवम निधि निधि के सुख नंद के गाय चराए बिसारूं रसखान कबाऊं इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं कौटिक एकल धोत के धान करील के कुंजन ऊपर वारूं। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि यह काव्यांश, ये जो है काव्य सवैया, ये रसखान जी का लिखा हुआ है। इसमें संकेत आपके सामने है और संदर्भ में यह सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक 31 भाग 1 के सवैया नामक पाठ से लिया गया है और यह रसखान जी का लिखा हुआ है, इसके कवि रसखान हैं। अब इसमें प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ्य पुस्तक स्थित में संकलित रसखान के सवैयों से लिया गया है और रसखान का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अमूल्य सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्योछावर कर देने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर यह सारा देखते हुए यहाँ जो रसखान हैं वो क्या कहते हैं, रसखान यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण की लकुटी, कृष्ण की जो लकुटी और कंबल, लाठी और कंबल है उस पर मैं तीनों लोकों का राज्य भी नौछावर कर दूं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुं पुरको तजि डारूं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लकुटी और कमलिया पर मैं राज तिहुं पुरको तजि डारूं, अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि मैं हर प्रकार से भगवान कृष्ण की लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य भी न्योछावर कर सकता हूँ, कर दूँ। आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी यदि नंद की गायें चराने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं भूल जाऊँ। कहते हैं आठम सिद्धि नवम निधि के सुख को नंद सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। कहते हैं आठम सिद्धि और नव निधियां जो हैं
उनका सुख का जो आनंद है, उनके सुख का जो आनंद है, उस आनंद को मैं छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ, यदि मुझे नंद की गायें चराने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रसखान जो हैं अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात हर प्रकार से वे चाहते हैं कि मैं प्रेम पर न्योछावर, अपने को प्रेम पर न्योछावर कर दूँ, हर प्रकार से, हर प्रकार के सुख सुविधाओं को मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में न्योछावर कर दूँ। तो इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि रसखान कह रहे हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन वागों को देख पाऊँ तो उन पर करील के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को न्योछावर कर दूँ। तो इस प्रकार कहते हैं कि रसखान कबहु इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मुझे यह अवसर मिल जाए कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रजमंडल के जो वन हैं, बाग हैं, उन्हें देख पाऊँ तो उन पर करील के बाग तड़ाग न्यारम कोटिक एकल धोत के धाम और करील के कुंजन ऊपर वारूं। कहते हैं कि करील के कुंजों पर, करील का जो वन बाग है, करील का जो वन है, सोने के बने करोड़ों भवन हैं, मैं उन सबको उनके लिए न्योछावर कर दूं। मैं हर प्रकार से भगवान कृष्ण का सानिध्य चाहता हूँ, उनके दर्शन चाहता हूँ, उनके वन वागों के दर्शन चाहता हूँ, और लकुटी कंबल पर मैं हर प्रकार तीनों लोकों का जो राज्य सुख है, मैं हर प्रकार से त्यागना चाहता हूँ, न्योछावर कर दूँ, कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार आठों निधियों सिद्धियों, नौ निधियों और आठों सिद्धियों का जो सुख है, उनसे जो सुख प्राप्त होता है, मैं उसे भी हर प्रकार से त्याग दूँ। तो इसी प्रकार यहाँ पर विशेष ये हुआ इनका भावार्थ। तो विशेष में देखते हैं, यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया। आगे कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख त्यागने को तैयार हैं। नवम निधि ब्रज के वन बाग करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है, गाय चराई में स्वर मैत्री है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये विशेष बताया गया है और इसमें अब हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। सौंदर्य के अंतर्गत किस प्रकार से शिल्प सौंदर्य में कहते हैं कि सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज कोमल और मधुर है। अनुप्रास अलंकार नवाव निधि गाय चराई ब्रज के बनवार कौटिक एकल धोत के धाम करील की कुंजन, इन सभी में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है।
संगीत, लय, छंद और प्रवाह की दृष्टि से यदि देखते हैं, ये सवैये अत्यंत मनोहारी सिद्ध हुए हैं। अब ये हुआ हमारा शिल्प सौंदर्य। अब भाव सौंदर्य के विषय में देखते हैं कि श्री कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि ब्रज है। लीला भूमि ब्रज के प्रति कवि रसखान का अत्यंत गहरा प्रेम प्रकट होता है। अपना